दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की रफ्तार देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में आपको हर घर में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़रूर देखने को मिलेगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईवी इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि 130% का सेल्स ग्रोथ है 2021 में। इतना तो एक पेट्रोल गाड़ियों और बोल सकते हो पेट्रोल इंडस्ट्री गाड़ियों के भी इतने अच्छे सेल्स रेट आज तक नहीं देखने को मिले जितना आपको ईवी इंडस्ट्री का देखने को मिला है। और ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है एक कंपनी जिसका नाम है AMO। AMO कंपनी बेसिकली दिल्ली की एक कंपनी है जिन्होंने अभी तक 5 व्हीकल्स लॉन्च कर चुके हैं, उसमें से ट्राईसाइकिल भी है, साथ ही साथ टू व्हीलर्स भी है, स्कूटर्स भी है, जो कि काफी अच्छा ग्रो कर लिया इन्होंने दिल्ली एरिया में। साथ ही साथ रिसेंटली इन्होंने एक अपडेट भी दिया है कि इन्होंने $100 मिलियन इन्होंने रेज किया है फॉर R&D ऑफ न्यू व्हीकल्स। मतलब इतना रुपए इन्होंने रेज किया है जिससे ये आने वाले व्हीकल्स के लिए R&D कर पाए, गाड़ियों को बना पाए। ये रेस करके इन अपकमिंग मंथ्स 2 से 4 व्हीकल लॉन्च करने वाले, वो भी हाई स्पीड स्कूटर्स होंगे। एंड इन स्कूटर्स का जो टॉप स्पीड होगा वो 50-80 किलोमीटर पर आवर होगा एंड जो रेंज है वो एक्सपेक्टेड रेंज 120 किलोमीटर होने वाला है, जो कि AMO कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है। फिलहाल इस कंपनी का जो सबसे फेमस स्कूटर है दैट इज जॉन्टी के नाम से आपको स्कूटर देखने को मिल जाती है। हालांकि अभी तक इनके 160 आउटलेट्स है, 300 आउटलेट्स को एक्सपांड करना चाहते हैं इन 2022। अब आप लोग काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये तो चाइनीज़ कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी है। दोस्त, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनी है जो बैटरी अक्वायर करती है वो चाइना या तो साउथ कोरिया से ही कर पाती है, तो वहाँ से ही जो प्रोडक्ट आता है वही आपको मिलता है। बट इन हाउस अगर देखेंगे तो इन हाउस लिमिटेड कंपनियाँ ही है जो बनाती है अपने बैटरी, अपने चैसी, अपने मोटर। हालांकि जो ये कंपनियां हैं ये मोटर अपना डेवलप करती है, बट जो बैटरी है वो बैटरी बाहर से इंपोर्ट होकर आती है एंड वही यूज़ होती है। इसलिए मैं आप लोग से एक दरख्वास्त करूंगा, अगर ये कंपनी जेन्युइनली आपको प्रोवाइड कर रही है कि वो खुद की बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे एक बार ये बोल दीजिएगा कि प्लीज़ अगर कुछ इसमें होता है तो इसका क्लेम मैं आप पे कर सकता हूँ, या बैटरी की कंपनी जिन्होंने आपको ये बैटरी प्रोवाइड की है तो उनको क्लेम करना है क्या, तो ये एक बार ज़रूर पूछ लेना। अगर बोलते हैं कि बैटरी कंपनी को कंप्लेन करना है तो आप समझ जाइएगा कि ये गाड़ी पूरी इन्होंने डेवलप की है, बस बैटरी दूसरी कंपनी है, क्योंकि ऐसे केसेस मैंने काफ़ी सुने हैं। और ये कंपनी अभी ठीक ठाक चल रही है, अब इनिशियल फेज में है तो हमें ठीक ठाक ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, क्योंकि सब अभी लर्निंग फेज में ही है। एक चीज़ तो आप पकड़ के चलो, सब लोग अभी लर्निंग फेज में ही है। अब लर्निंग फेज में कुछ भी हो सकता है, धीरे धीरे करके जब सब कुछ इन हाउस ही होने लग जाएगा तो हर कंपनी अब कॉम्पिटिशन में आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये अपडेटेड न्यूज़ AMO कंपनी की अच्छी लगी होगी। अगर आप सोच रहे हैं AMO कंपनी की तरफ से कोई भी एक व्हीकल परचेस करने का, तो थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि हाई स्पीड और नए नए स्कूटर ये लाने वाले हैं इन नेक्स्ट क्वार्टर तक आ जाता है, तो समझ लेना, उसको एक बार ट्राई आउट कर लेना, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर ले लेना, क्योंकि इनकी प्राइस काफ़ी अच्छी होती है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ बोल सकते हो जो कि आपको देखने को मिलती है AMO कंपनी की तरफ से। वीडियो चला तो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा तो प्लीज़ कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।